स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, अ मास ऑफ 8 kg इज रोल्ड ऑन ग्रास विद अ वेलोसिटी ऑफ 28 m/s इफ द रेजिस्टेंस बी 1/10 ऑफ वेट, हाउ फार विल द बॉडी मूव। यानी एक मास है 8 kg का, वो ग्रास पर रोल हो रहा है कितनी वेलोसिटी से, 28 m/s की वेलोसिटी से। अगर रेजिस्टेंस जो है, यानी कि इस मास को रोकने के लिए जो फोर्स लगाया गया है वो कितना है, 1/10 ऑफ द वेट ऑफ दिस मास। यानी इस मास का 1/10 किसके बराबर हो गया, फोर्स के। तो जब फोर्स लग रहा है इस पर, उससे पहले इस मास ने कुछ ना कुछ मूवमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है। ओके, इफ द रेजिस्टेंस पे 1/10 ऑफ द वेट, हाउ फार विल द बॉडी मूव। तो मास के रुकने से पहले जितना भी इसने दूरी कवर की है या जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमें मास गिवन है यानी द्रव्यमान गिवन है कितना, 8 kg। तो अगर मुझे इसका वेट निकालना है तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एम मल्टीप्लाई बाई जी। मास कितना दे रखा है, 8 kg, तो मैंने 8 लिख दिया है यहाँ पे, और जी है, जी एज इट इज रहेगा, ठीक है, ग्रेविटी। अब पी हमारा होता है mf, ये है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम यही कहता है, बल किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय त्वरण या एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसे मैं mf या mg कुछ भी लिख सकती हूँ। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका बल है वो किसके बराबर है, 1/10 ऑफ द वेट। तो वेट कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय जी, तो आपका हो गया ये। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर 2 से, तो 4/5 g आ जाएगा, क्लियर। अब क्योंकि ये बल इस बॉल की गति को में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि ये बल बॉल को रोक रहा है, इसकी स्पीड को कम कर रहा है, तभी ये रुकेगी। तो एक तरीके से यहाँ पे जो प्ले करेगा वो मंदन आएगा, ठीक है, यहाँ पे त्वरण नहीं, एफ यहाँ पे क्या कहलाएगा, मंदन। तो पी हमारा है 4/5 g इज इक्वल टू mf, यानी 8f। तो F कितना आया, हम इसे सॉल्व करेंगे, G की वैल्यू पुट करेंगे 9.81, तो F आपका आ गया, F कितना आ गया आपका, 4 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपका F आ गया 0.98 m/s². अब जब F आ गया तो हमें क्या निकालनी है कि इस बॉल ने कितनी या इस मास ने कितनी दूरी कवर की रुकने से पहले। तो डिस्टेंस कवर्ड बिफोर रेस्ट, देखिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, v² = u² - 2as। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि गति कम हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कि वो 28 m/s की वेलोसिटी से मूव हो रहा है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.98 हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय s हमें निकालना है दूरी, तो s कितना आ गया, 400 m। यानी इस मास ने 400 मीटर की दूरी तय की रुकने से पहले, यानी विराम अवस्था में आने से पहले, क्लियर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एक ट्रक का द्रव्यमान 8000 kg है, ट्रक 54 km/h की रफ्तार से चल रहा, उस पर 5 मिनट के लिए 100 N का बल कार्य करता है। तो ट्रक का वेग ज्ञात कीजिए, जबकि पहला बल अगर गति की दिशा में लग रहा है और दूसरा बल अगर गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। देखिए आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आप वो लिख लीजिए क्वेश्चन में, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, क्लियर। क्योंकि जब फाइनल एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एक साथ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से चैप्टर क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर आप
जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आप पहले लिख लेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो गिवन है मास कितना है 8000 kg, वे कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, और आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60/60 से डिवाइड करेंगे। तो मेरी वेग आ गया 15 मीटर पर सेकंड। टाइम को आप मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेकंड आ गया आपका। क्लियर। इसी तरीके से आप सबकी पहले यूनिट को सही कर लेंगे, जैसे एमके सिस्टम में सारी यूनिट हो गई अगर आप देखें तो, मीटर पर सेकेंड, केजी, सेकेंड। क्लियर। अब हमें ट्रक का वेग ज्ञात करना है, वेलोसिटी निकालनी है, जब बल किसकी दिशा में लग रहा है, गति की दिशा में। तो पी इज इक्वल टू एम एफ। क्लियर, ये हमारे न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग है। एफ कितना है, एफ है आपका पी बाय एम हो गया। पी आपको दे रखा है, देखिए पी आपको दे रखा है 100 न्यूटन। ठीक है, आपको फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन, तो 100 अपॉन 8000, तो आपका त्वरण आ गया 0.0125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें वेग निकालना है जबकि बल गति की दिशा में हो। देखिए तो v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये इसमें वेग बढ़ रहा है। ठीक है, जब गति की दिशा में कोई भी बल लगेगा तो वो उसके वेग को बढ़ाएगा, और अगर गति की विपरीत दिशा में बल लगेगा तो वो उसको कम करेगा, वेग को कम करेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी दे रखी है, इनिशियल वेग अभी हमने निकाली है 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस त्वरण ये हो गया, और टाइम हमें दे रखा है कि 5 मिनट के लिए यानी 300 सेकेंड के लिए लग रहा है। तो हमारा वेग आ गया 18.75 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पे ये वाला केस था, दोनों एक ही दिशा में हो गई, गति और बल। अगर वेग बल गति की विपरीत दिशा में हो, मीन्स u माइनस एफ टी, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन आ गया, क्योंकि ये जो बल है इसकी गति को कम कर रहा है। 15 माइनस 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका वेग आ जाएगा इसमें। क्लियर। अब थर्ड जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है, अ बुलेट ऑफ 58.8 ग्राम मास इज फायर्ड विद 100 मीटर पर सेकेंड इनटू अ ट्रंक ऑफ वुड ऑफ 10 सेंटीमीटर थिकनेस एंड इट कम्स आउट विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ वुड। देखिए एक बुलेट है जिसका वेट हमें इतना दे रखा है, कितना 58.8 ग्राम, इसको 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक तने पे चलाया जाता है। ठीक है, जो पेड़ का तना होता है एक तरीके से, वो 10 सेंटीमीटर उसकी आपको दे रखी है मोटाई। तो जब इस पे जाता है, बुलेट जाती है उस तने पे लगती है, तो उसकी स्पीड कम होगी, और जब वो बाहर आता है तब कितनी स्पीड से आता है, 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि कितना बल लगा उस तने पे कि उसने जो गोली है उसकी स्पीड को 100 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड पे ला दिया। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, यू दे रखा है हमें 100 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिससे वो बुलेट निकली, गोली निकली 50 मीटर पर सेकंड, कितनी दूरी कवर की उसने, देखिए तने की जो मोटाई है बस उतनी दूरी कवर की, क्योंकि गोली अंदर गई तने में और बाहर आ गई, तो 0.10 मीटर, ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है आपका, हम सबसे पहले त्वरण निकालेंगे। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2fs, यहाँ पे हम माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गति कम हो रही है 100 से 50, तो ये मंदन का केस आ गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 50, इनिशियल वेलोसिटी 100, माइनस 2f, और s आपको दे रखा है 0.10। क्लियर, इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा f जो आएगा यानी त्वरण आएगा वो आएगा 37500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ये हमारा त्वरण आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें फाइनली निकालना है कितना बल लगा, कितना बल ने प्रतिरोध उत्पन्न किया, ठीक है। तो मास हमारा है, बुलेट का जो मास है 58.8 ग्राम, इसे मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगी तो 1000 से डिवाइड करूँगी, क्लियर। अब देखिए हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है पी इज इक्वल टू एम एफ, यानी पी बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय जो भी त्वरण है या मंदन है। तो मास हमारा ये हो गया 58.8 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 37500, तो मेरा जो बल है जो हमारा वो आ गया 2205 न्यूटन, क्लियर। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिरता है और रेत में 1 सेंटीमीटर धस कर विराम अवस्था से आता है। पिंड पर रेत का औसत प्रतिरोधक बल ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें भी अगर आप देखें, एक पिंड है जो यहाँ पर है 10 ग्राम, ठीक है, कहाँ पे रखा है वो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है। अब ये जाता है, इस पे गिरता है और 1 सेंटीमीटर धस जाता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि कितना प्रतिरोधक बल लगा, क्लियर। तो हम सपोज करते हैं सबसे पहले कि रेत की सतह पर पहुंचने पर पिंड का वेग कितना है, यू, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हमने पहले के लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जब भी कोई पिंड अधिकतम ऊंचाई पर रखा होगा तो क्षण भर के लिए उसका वेग होगा जीरो, जब वो गिरेगा तब उसमें वेग आएगा, तो यानी यू इज इक्वल टू जीरो, ये हम प्रारंभिक वेग ले रहे हैं, क्लियर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs, क्योंकि ये ग्रेविटी के अधीन काम हो रहा है इसलिए हम यहाँ प्लस ले रहे हैं, क्लियर। अगर ये ग्रेविटी के विपरीत होता, अगेंस्ट होता गुरुत्वाकर्षण के, तो हम इसे माइनस लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉल को ऊपर उछालना, ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम है, पर कोई चीज़ नीचे आ रही है पृथ्वी पर यानी ग्राउंड पर, तो वो ग्रेविटी के अधीन कार्य है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs, जीरो प्लस 2f की जगह आप जी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितनी हाइट है, 10 सेंटीमीटर, इसमें मैंने यूनिट को एज इट इज रखा है, तो v आपका आ गया √20g/s। अब रेत में धंसते समय, देखिए रेत में धंसते समय यानी कि हम ये वाला केस ले लें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2fs, ठीक है। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो हो गई जो वो दूरी तय कर रहा है, अब आप सिर्फ इस केस को देखिए, ठीक है, जो भी पिंड था वो यहाँ तक आ गया है यहाँ पे, तो किस वेग से आया, जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी वो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हो गई इस केस में, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई √20g, कितनी दूरी तय की इसने, 1 सेंटीमीटर, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, सिंपल। और क्योंकि इसमें वेग कम हो रहा है यानी गति कम होके विराम अवस्था में आ रहा है, तो हम इसमें माइनस साइन लेंगे, वी आ गया 0 इज इक्वल टू √20g का होल स्क्वायर माइनस 2fs, कितना लेंगे आप, 1 सेंटीमीटर, तो 1। सॉल्व करेंगे आप इसे, ठीक है, तो आपका f आ जाएगा, देखिए √20g है, स्क्वायर का साइन है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ 20g लिखा मैंने, क्लियर। तो f आपका आ गया 10 ग्राम/cm², ये आपका आ गया f त्वरण, ठीक है। इसे आप मंदन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वेग कम हो रहा है। अब हमें निकालना है पिंड पर रेत का औसत प्रतिरोध बल, जो कि हमसे फाइनली क्वेश्चन में पूछा था, बट इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि मंदन चाहिए था जो आपने अब निकाला है f, उससे पहले हमने वो वेग निकाला जिससे कि जिस वेग से वो रेत के 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पहुंचा था, ठीक है। तो पिंड पर रेत का औसत प्रतिरोध बल, देखिए
ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, ये बल है एफ, और यहाँ पर जो लग रहा है वेट लगेगा इसका पिंड का वो है एम जी। तो एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एफ। हम सारे बलों का मतलब नेट फोर्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो आपका एफ कितना आ गया, एम एफ, जो भी न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स लग रहा है, और ये माइनस एम जी को हम यहाँ लाएंगे तो प्लस एम जी आ जाएगा, क्लियर। इज इक्वल टू एम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, जी प्लस एफ। अब हमारा एम कितना दे रखा है, 10, ठीक है, और जी आपका एज इट इज रहेगा, प्लस एफ कितना निकाला आपने, 10g, यानी 11g हो गया ये, जी प्लस 10g। तो 11g को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110g। और क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रखी है सारी यूनिट इकाइयाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड मीटर में कन्वर्ट नहीं किए, इसलिए हमारा जो फोर्स आएगा वो किस में आएगा, डाइन में, क्लियर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 110g डाइन। आप चाहें तो इसमें जी की वैल्यू रख सकते हैं 9.81, और इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।